नमस्कार आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करुछि मु निवेदिता दर्शक बंधु वर्तमान रो व्यस्तबहुल जीवनशैली मनुष्य को रोगाक्रांत करिछि केते गुड़े रोग एवं सेगुड़िकर प्रमुख लक्षण समूह मनुष्य जीवनशैली को दुर्विषह कर देछि तेणु जेकोणसी रोग संबंध में जाणी बुझि से प्रति सचेतन होगा जरूरी आपंक जेकोणसी रोग संबंध में सचेतन कराइबापी आमर स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेसक्रिप्शन दर्शबंध उच्च रक्तचाप बा ब्लड प्रेशर हृदय रक्त सिरा दे शरीर अन्य अंग प्रत्यंग को जाए आ रक्त एक निर्दिष्ट चाप रे शरीर अन्य अंग प्रत्यंग को प्रभावित होता है तेरे कह जाए उक्त रक्तचाप सब बड़ बड़ रोग मूल कारण होता है आए जे उक्त रक्तचाप को उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करने सारा जीवन एलोपैथिक मेडिसिन खाइबा को पड़ता है किंतु आयुर्वेदिक मेडिसिन सेवन द्वारा यहाँ रोका जाए पारिबो तबे केमते करिबे रक्तचाप को नियंत्रण कौन रही यार आयुर्वेदिक उपचार पद्धति ए सबको नहीं आलोचना करिबा आज आलोचना करिबा आम सह अच्छा डाक्टर अशोक कुमार पंडा डायरेक्टर इनचार्ज सेंट्रल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर पंडा आपन को अर्गस न्यूज को स्वागत करेंगे प्रेसक्रिप्शन को स्वागत करेंगे केमती अच्छा जानवा को चाहिए प्रथम नमस्कार समस्त दर्शक बंधु मानको आपन को मोर नमस्कार आज्ञा भलो अछि ओके सेमती आपन भलो तांतु काकि ना आपन माने सुस्थ रहले ही आमे सुस्थ रहबो आ समाज मध्ये सुस्थ रहबो आपन मानको सेवा पाई तबे डॉक्टर पंडा प्रथम प्रश्न रहबो जे प्रकृत रे जने साधारण लोक पई विशेष कर जने साधारण लोक टी केमती जानिबो उच्च रक्तचाप को नै विशेष कर ब्लड प्रेशर आमे जेमती कहथाउ उच्च रक्तचाप कहले आमे कोन बुझि थाउ प्रथमे देखंतु जो आमर जो हृदय रु रक्त धमनी दे जाई थाय एवं सिरा दे ता पुणी हृदय को आसी जो सेटा कंप्लीट हे थाय सर्कुलेशन टा तापरे से मध्य लंग्स को जाय जो लंग्स रे जाई कि ऑक्सीजनेटेड हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड टा आम शरीर सब दिगरे भ्रमण करे एवं से ब्लड देकर न्यूट्रिएंट्स शरीर को जाए तेणु जो ऊर्ध रक्तचाप कहिले आमे जदि धमनीर ऊर्ध रक्तचाप दुईट विषय पर निर्भर करे गोटे हूँ आमर जो कार्डियक आउटपुट बा आमर जो हृदय जो ताड़ना एवं पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो धमनीर जो रेजिस्टेंस पावर ये दुईटा को लेकर आमर रक्तचापटा सृष्टि हुए एवं ताकू आमे स्विग्न मोनोमीटर रे मेजरमेंट करू समस्ते प्राय डॉक्टर माने मेजरमेंट करती आपण जो क्वेश्चन टी कले जे आमे किपरी जानिबू जे आमको ब्लड प्रेशर हेछि कि नाही देखंतु ब्लड प्रेशर दी प्रकार गोटे होउछि एसेंशियल हाइपरटेंशन जोंटा कि जणा पड़े नाही से आस्ते आस्ते शरीर को जाए आउ गोटे होउछि सेकेंडरी हाइपरटेंशन जोंटा कि किडनी रोग किंबा हृदय रोग बा हार्ट डिजीज एवं विभिन्न प्रकार लिवर डिजीज रे से माने जो आथेरोस्क्लेरोसिस एभलिया विभिन्न डिजीज द्वारा सेटा मैनिफेस्टेशन होइथाय विशेष करी आमे जदि फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन थाय ताले से रोगी बहुत निजो को निजे सतर्क करिबा दरकार एवं जे स्मोकिंग करूथांती जो रोगी जो माने अल्कोहल नित्य सेवन करूथांती जो रोगी मोटापा ताकर बॉडी वेट अधिका थाय जो माने अधिक लवण सेवन करंती एवं कम पोटासियम सेवन करती से भाया कम दैहिक परिश्रम करती से भाया लोक दे आर प्रोन टू हाइपरटेंशन बा ऊर्ध रक्तचाप से माने निजकु माने आफ्टर द एज ऑफ 40 समस्त जनता मध्य मिनिमम 3 मास रे थरे रक्तचाप को मापिबा दरकार ओके डॉक्टर पंडा आपण जो कथा कहथले ये तो हमे जानिले जे के आज्ञा कोंतु हाँ मु तो माने आमे 40 वर्ष रु ऊर्ध किंबा जो माने 30 वर्ष किंबा छोट पिला को मध्य हाइपरटेंशन हुए किंतु तांकर सेटा होची सेकेंडरी हाइपरटेंशन किंतु जो आमर कहंती एसेंशियल हाइपरटेंशन सेटा मुख्यतः यदि सेटा क्रमशः धीरे धीरे होइता किंबा स्ट्रेस स्ट्रेस आउ गोटे कथा जोटा कि आइदर वर्क प्रेसर किंबा फैमिली स्ट्रेस सोशल इकोनॉमिकल स्ट्रेस जमती कोरोना गोटे स्ट्रेस साइकोलॉजिकल स्ट्रेस यही भाया स्ट्रेस मध्यम आम माने मनुष्य को
हाइपरटेंशन बा ऊर्ध्व रक्तचाप रोग होइथाय। ओके डॉक्टर पंडा आपण जे कहतले आमे तो आपण कहतले जे जो केउ मानक ठारे पेशी संभावना रहिते से कथा आपण कहतले या मते जानिबा को चाहिबु डॉक्टर पंडा जे विशेष करी सिम्पटम्स कोडी को कोन रहिथाय आमे विशेष करी हम जानछो जे कोनो रोग न काहे कि किछ ना किछ सिम्पटम्स थाय सेंत विशेष करी ब्लड प्रेशर रे कोन सब सिम्पटम्स थाय जे जडे जानि पारिबो जे हां ब्लड प्रेशर बोध्य आरंभ होउछि आ से सठिक समय डॉक्टर को परामर्श नै पारिबो। शुणतु ब्लड प्रेसर गोटे रोगी मुख्यतः ये कौनसी सिम्टम दिए ना किंतु आउ जो गुड़ाक बहुत रेयर सिम्टम दिए सी हूँ हेडेक हेडेक माने मुंड बथा हम मिड ब्रेन मुंड बथा हम से सेकेंड हूँ आपण नाजाल ब्लीडिंग जदि नाकरु रक्त पड़े ताले आमे भावुजे सी मध्य तार हाइपरटेंशन बोधे होइथिबो एमिती अनेक गुड़ा पाद फुलिबा पाल्पिटेशन हबा आउ निद न होबा आउ डिमेंशिया मध्य गोटे कारण किंबा कौन दिन स्ट्रोक कहा को हेला ताले सेइथि पई आमे जानि पारु जे से पेशेंट रो ब्लड प्रेशर टा आमे मापो बुझि पारले किंतु तार मुख्य जोटा एसेंशियल हाइपरटेंशन मुख्यतः तो पेशेंट निजो को निजे जानि पारे नाही जे मते ब्लड प्रेशर अछि बोली। ओके आउ जो बहुत रेयर केस रे आमे पेशेंट कहंती जे मोर सर बहुत मुंडो मिदुची मते टळ टळ लागुची तो से क्षेत्र में जब आम ब्लड प्रेशर मापू तो तार हाई ब्लड प्रेशर थाए तेणु पेसेंट को सेव करी हुए कारण हाइपरटेंशन रो कॉम्प्लिकेशन गुड़ाक भारी सीवियर गोटे हूँ सेरिब्रो वास्कुलर एक्सीडेंट जोटा को ब्रेन स्ट्रोक आम मुख्यतः कह था जहाँकि पारालीसीस कर दिए मनीष को आउ गोटे हूँ आपण एवं आम बहुत रोगी पाऊ सिकेडी क्रोनिक रेनाल फेलियर और किंबा क्रोनिक किडनी डिजीज मध्य कहा जाए जोटा कि मैनिफेस्टेशन हुए हाई ब्लड प्रेशर जो जेकोसी एंड ऑर्गन डैमेज आखिर भी डैमेज हुए हाई ब्लड प्रेशर हेले हार्ट डैमेज हुए कार्डियो मायोपैथी हो जाए अनेक क्षेत्र में तेणु मेन स्मॉल वेसल्स इंजुरी हो जाए तो ब्लीडिंग हो जाए एमती अनेक गुड़िया कारण आपण जदि आउ गोटे गोटे क्षेत्र में आम हेमाचुरिया ब्लड परिसरा रे ब्लड आसे ताहले आमे जदि चेक करू तार ब्लड प्रेशरटा अधिक थाए। अच्छा तेणु जो आमर जो एसेंशियल एग्जामिनेशन आमे करू प्राइमरी पेशेंट आसिला परे तार आमे देखू जे तार ब्लड प्रेशर केते अछि पल्स रेट केते अछि ओजन केते अछि तापरे एसपीओ2 तार ऑक्सीजन सैचुरेशन केते अछि आउ एबे आमे देखुचू जे तार ब्लड सुगर मध्य केते अछि एसेंशियल वाइटल जो साइन भितर ये सब एग्जामिनेशन करा जाए देखा जाए जदि किछि जोंटा सिग्निफिकेंट हैला ताले सेइ अनुसारे आमे ट्रीटमेंट करू। ओके डॉक्टर पंडा जेतु आपण आयुर्वेदिक उपर रिसर्च करछंती आमे जानिछंती जे एलोपैथिक खाइबा को विशेष करी समस्त को फर्स्ट लागे ओ नॉर्मली एलोपैथिक मेडिसिन खाइबा टिके समस्त पई कष्ट होइथाय तेनु आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कोन आरो रहिछे विशेष करी आपण जेमति कहतले जे पंचकर्म थेरापी कोन एवं केमति एहार प्रभाव कोन रहिथाय आ को के आरो सकारात्मक प्रभाव कम पडिथाय विशेष करी उच्च रक्तचाप नियंत्रण रे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कले देखु आयुर्वेदिक हूँ दी प्रकार ट्रीटमेंट आम करूँ गोटे हूँ समन थेरापी गोटे हूँ सधन थेरापी समन माने पेलिएटिव केयर जोटा कि एलोपैथिक टाइप रो आमे मेडिसिन खो रोगी को आउ गोटे सधन थेरापी जोटा कि आपन कहले पंचकर्म विभिन्न प्रकार पंचकर्म माने हूँ देखु मु प्रथम कही जे ब्लड प्रेशर हूँ दुईटा कारण हुए गोटे हूँ कार्डियक आउटपुट आ गोटे हूँ पेरिफेरल रेजिस्टेंस तेणु ये जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस ताकू आमे स्नेहन माने अभ्यंग जोटा को कहतु मालिस विभिन्न प्रकार तैल द्वारा शरीर को मालिक्स करके रिलाक्सेसन कराए लिम्फाटिक चेनाल को ब्लड भेसल को रिलाक्स कराए लिम्फाटिक चेनाल को ड्रेनेज को क्लेरीफाए कराए डिटक्स कराए स्वेदन हूँ स्वेटिंग है एवं तापर आम मैंने दौ आम विरेचन दौ कि बमन करूँ किसी क्षेत्र में बांति करूँ किसी किसी बस्ती दि जाए एवं देखा जाए जे पेशेंट मानकर ब्लड प्रेशर पूरा कमी जाए डॉक्टर पंडा आपत कहते हैं आलोचना कर आगे आलोचना करवा बाबद जो लाइव प्रोग्राम चलते जो कलर आमको कल करते कल टी नहीं जा हेलो हेलो आज्ञा मैडम किए कहते कौट कहते अगेम बरगडर कोथली नीतांजलि मिश्र ओके मैडम कोंतु हाई ब्लड प्रेशर अगे हाई ब्लड प्रेशर तो ब्लड प्रेशर के कोन खाइबार नियम मानदा कथा कोन कोन न खाइबा कथा भी अच्छा कोन खाइबे बो कोन खाइबे नै नि आते हमस्त डॉक्टर बढ़िया क्वेश्चन अगे
ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲୁଣ ଖାଇବେନି ମୁଖ୍ୟତଃ, ହେଲା, କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇବେ, ଫେଟି ଜିନିଷ ଖାଇବେନି, ଫେଟି ଆଉ ୱେଟ୍ ବର୍ଦ୍ଧକ ଜିନିଷ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ଦେହରେ ରିଟେନ୍ କରିବ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଖାଇବେନି, ଦହି ଖାଇବେନି, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବେନି, ଆଉ ରେଡ୍ ମିଟ୍ ଖାଇବେନି, କିନ୍ତୁ କଦଳୀ କଦଳୀ କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ओके डॉक्टर पांडे, लुणटा रेस्ट्रिक्टेड किंतु समुद्री माछ इंडिकेटेड। डॉक्टर पांडे से मध्ये जानिबाकू चाहुथिले जे आपण तो कहुथिले आगे आपण कहुथिले जे कोण खाइबेनी से विशेष करे या मध्ये जानिबाकू चाहुथिले जे कोण खाइबा दरकार एवं प्रति टी दर्शक मध्ये एक आंसर जानिबा पई चाहुथिबे जो माने विशेष करी ब्लड प्रेशर रोगी से माने मध्ये जानिबाकू चाहुथिबे जे कोण खाइबा दरकार। ये तो थिले कोण खाइबेनी किंतु कोण खाइबा दरकार डॉक्टर पांडा? କଞ୍ଚା କଦଳୀ ଖାଇବା ଦରକାର, ସେଥିରେ ବହୁତ ହାଇ ପଟାସିୟମ ଅଛି ଏବଂ କଦଳୀ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ହେଉଛି ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣି ଶାଗ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲେ କୁଇଲି ରେଖା ଶାଗ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଇଲା ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ସଜନା ଶାଗ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ, ହେଲା। ରେଡ୍ ମିଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏଭଏଡେଡ଼, ଲୁଣଟା ମେନଲି ଲୁଣ ଚେନାଚୁର ଲୁଣ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେତିକି ଲୁଣ ଦହି ପାଚିଲା କଦଳୀ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଇବେ ନାହିଁ। ओके डॉक्टर पंडा, जमी आप कहते आम किसी पूर्व आलोचना करते जो आप कहते पंचकर्म थेरापी जो से कथा आपड़ कहते यह जानवाक चाहिए डॉक्टर पंडा, विशेषकर आयुर्वेदिक कथ आम जो कहे आम नर्माली घरे जो सब जिन व्यवहार करके आयुर्वेदिक ढंग से व्यवहार करमती सिंपली उपाय विशेषकर घर जो जिनस व्यवहार करमती आम व्यवहार कर उच्च रक्तचाप को नियंत्रण करमती किसी ट्रिटमेंट पद्धति रही कि ए ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଯଦି ମାଇଲ୍ଡ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରଟା ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲେ, ମାଇଲ୍ଡ, ମଡ଼ରେଟ୍ ଆଉ ସିଭିଅର। ଯଦି ମାଇଲ୍ଡ ହାଇପରଟେନସନ୍, ମାଇଲ୍ଡ ଟୁ ମଡ଼ରେଟ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ଘରୋଇ ଚିକିତ୍ସା ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବୁ। ଯେମିତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଯେଉଁ ଔଷଧି ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ଆଣ୍ଡ ସର୍ପଗନ୍ଧା, ମଞ୍ଜି, ଇଏ ଜଟାମାଂସୀ, ଏଇସବୁ ଔଷଧୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ଆମର କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନରେ ହେଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ଯିଏକି ହାଇପରଟେନସନ୍ କମେଇବ, ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣନବା। ପୂର୍ଣ୍ଣନବା ଶାଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ଣ୍ଣନବା ପତ୍ରର ରସ ଡେଲି ଯଦି ଜଣେ ମଣିଷ ସେବନ କରିବ, ଏବଂ ମହାମାସ ତୈଳରେ ଶରୀରକୁ ମାଲିସ କରିବ ଏବଂ ଉଷ୍ଣ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବ, ତେବେ ତା'ର ମାଇଲ୍ଡ ଟୁ ମଡ଼ରେଟ୍ ହାଇପରଟେନସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ। ओके तबे डॉक्टर पंडा, या मध्ये जानिबाको चाहिबु जे विशेष करी केते रहिबा दरकार जणकठरे, विशेष करी केते हेले आमे कहि परिबा जे ब्लड प्रेशर हाई हेला एवं ब्लड प्रेशर लो हेला नॉर्मलटा केते, जे एटा भी बहुत समस्या जानिबाको चाहुतबे। ये गोटे गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन जे केते रहिले अधिक आमे भाबि परिबा एवं केते रहिले आमे कम कहिबा, नॉर्मलटा केउटा रहिबो? सुनतो, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होउची 120 रु 80, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, सिस्टोलिकटा 120, डायस्टोलिकटा होची 80, किंतु जदि जणे वयस अनुसार सेटा आमे 140 रु 90 को नॉर्मल आमे धरू, ठीक अछि। आउ 100 एटा होची 140 रु ऊर्ध को गले, 140 रु 90 रु ऊर्ध को गले आमे ताको ऊर्ध रक्तचाप बोली कहू। ओके, सेई परि 100 रु 60 तार तळकु गला माने आमे निम्न रक्तचाप बोली कहू। ओके, तबे डॉक्टर पंडा आम सहित जो कलर मध्य जोड़े छन तांको कॉल टी मध्य नै जिबा। हेलो हेलो आज्ञा नमस्कार, के कहुतले कोड कहुतले? अरे हम पुरी जिला ब्राह्मणी में कहुतले। आज्ञा आज्ञा कोहंतु कोन प्रश्न रहै छै पचारंतु? प्रश्न आज्ञा वर्तमान के लो टिके रहु छै ब्लड प्रेशर, तापते हाथ गोड़ टिके झिमझिम लागु छै। अच्छा, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋ ମାନେ, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ 110-70 ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ପାଉ, ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଭାବନ୍ତି ଲୋ, ସେଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋ ନୁହଁ। ଯଦି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ,
टिके माइल्ड एक्सरसाइज करिवे एवं विशेष करी रो वेजिटेबल्स जेमिति सजना साग माने लिफली वेजिटेबल्स ताले खाइबे ताले तांकर से ब्लड प्रेशरटा हाई रहिबो किबा तांकर हेमोग्लोबिन चेक करिया पडिबो जदि हेमोग्लोबिन भी कम रक्त कम थाए ताले मतलब लो प्रेशर रुए तांकर सोडियम पोटासियम चेक करिया पडिबो जदि सोडियम पोटासियम लो थाए ताले मध्य ब्लड प्रेशर लो रुए तेणु यही सब जिनस गुड़ाक जब मन करूँ बहुत स्वेटिंग होता ब्लड प्रेशर कमी जीवो से सब जिनस गुड़ाक आखि आगे रखिक तार ट्रीटमेंट दि जाए तेणु सुषम खाद्य लिफली वेजिटेबल अधिक पानी एवं टिके इलेक्ट्रोलाइट माने इलेक्ट्रोल पाउडर ए टाइप रो यदि चीनी लुण लेंबू शरबत जी से व्यवहार करती ताहले तांकर प्रेशरटा नॉर्मल हो जीवो ओके अर्थात खाद्य पे ऊपर विशेष करी ध्यान देबा दरकार जेतु खाद्य ऊपर बेसी निर्भरशील हमर ब्लड प्रेशर तबे डॉक्टर पंडा ए मते जानिबा को चाहिबो विभिन्न समय रे हम देखंती जे अधिकांश जो माने विशेष करी ब्लड प्रेशर से माने कर थाए जे हटात देखे को मिले जे ब्लड प्रेशर हाई हे जाय केते बले ब्लड प्रेशर लो हे जाय केते नॉर्मल हे जाय प्रकृत एंती अप एंड डाउन काई खेथाय शुणत मु कहीदी जे जे आम विशेष करी बेड साइड रे जो देखो हॉस्पिटल ले पेशेंट जो ब्लड प्रेशर मन करंतु जड़े ब्लड प्रेशर रोगी से औषध खाउचंती देखिले कौन डॉक्टर पाक गले ना ना ठीक अच्छे कहले डॉक्टर ताले से मेडिसिन टाकु ड्रॉप कर देले ड्रॉप कले जे दिने दुई दिन नुह से मास मास ड्रॉप कर देले हला तापर कौन हुए मेडिसिन पुणी जो आमर देहर मेकानिजम से आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी कि पूरा बढ़ी जाए और सीवियर हाइपरटेंशन हो कि आइदर स्ट्रोक हो जाए पारालीसीस हो जाए किंबा नाजल ब्लीडिंग हुए किंबा कौन शरीर अंग विकृति हो जाए किंबा अन्य डिजीज गुड़ाक हो जाए विशेषकर आम जो कहते विथड्रॉल मेडिसिन विथड्रॉ करनी विदाउट एनी प्रॉपर गाइडेंस आम जिते कौन मन करूँ एलोपैथिक ड्रग रु आयुर्वेदिक ड्रग को आम स्विच ओवर करूँ तार मेथोडिकाली आम स्विच ओवर करूँ माने साइंटिफिकली किंतु जो माने साधारण मनीष हाँ मोर ब्लड प्रेशर ठीक अच्छे तेणु से माने मेडिसिन को छाड़ी दिखती जेको एलोपैथिक ड्रग मन खाऊ ड्रप कर दिखती मस मस ड्रप करती कह मत कि मुझे जापार नहीं मुझे ठीक अच्छे ये टाइप क्वेश्चन करती क्यों स्टेज रे सीवियर होई थाय बोली डॉक्टर पंडा आमी जानिबा जदी डॉक्टर पंडा जानिबा को चाहिबो जे केओ स्टेज रे सीवियर जदी ब्लड प्रेशर 2 कोन तो सो ब्लड प्रेशर जदी 200 रु ऊपर को जाय 200 रु 120 ऊपर को जाय ताले आमे कहिबो सेटा सीवियर हाइपरटेंशन सी आपनकर कोनसी टिनी टिनी ब्लड वेसल्स को रैप्चर कर दिए ब्लीडिंग कर दिए सेटा जदी ब्रेन रे ब्लीडिंग हबो ताले सेटा स्ट्रोक हेइ जइबो कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट रेनाल डिजीज जो एंड ऑर्गन डैमेज आखिर प्रॉब्लम हैला तो ये सब प्रॉब्लम विभिन्न प्रकार सब भी ऑर्गन डैमेज एंड ऑर्गन डैमेज करि थाय तेनु ओके डॉक्टर पंडा आहुरी अनेक गुडी प्रश्न रहि छि आलोचना करबा हम सहित आउ जडे कलर अछंति तांको कॉलटी मध्ये नै जिबा हेलो हेलो आगे मैडम नमस्कार के कोथले कोड नमस्कार कोलकाता रो कोथले सुलोचना जना आगे सुलोचना मैडम कोन प्रश्न रहि छि अपन पचेट परबे पचेरा पई जाउ देले कि मो हस्बैंड करो मुंड तो प्रत्येक दिन बिंधा होए आ नाक रो ब्लड पड़े सेटा कोन ब्लड प्रेशर की कोन सीधा जानिया पई चाहम देले ओके डॉक्टर पंडा आपण सुनि पाछु छथि जे मैडम मो सुनि पाछु छी जे एक्चुअली ताकर जदि नाजल ब्लीडिंग होउची केवल गोटिए कारण न हो जे नाजल ब्लीडिंग रो मेन ताकर ब्लड प्रेशर टाकु आपण जे कोनोसी फार्मासिस्ट किबा अमर पीएससी रे आपण जाई कि ताकर ये मेजरमेंट करंतु जदि हाई थिवो ताहले हाई थिले औषध खाइबे किंतु माने मुंडो बथा आउ माने नाकरु रक्त पड़ीबा एटा केवल ब्लड प्रेशर लक्षण नुह अन्य रोगर भी लक्षण होई थई पारे बुझिपारले केवल जदि मुंड मिंधुची थंडारु भी मुंड मिंधि पारे साइनोसाइटिस रु मुंड मिंधि पारे सेमिति नाजल ब्लीडिंग भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया रु होई पारे तेणु जदि आम नैदानिक परीक्षा निरीक्षा न करिबा आमर एबे तो सबु पीएससी रे प्रत्येक गाँ गाँव में डाक्टर फार्मासीस्ट है नर्सिंग स्टाफ एएनएम दीदी पाखे जा ब्लड प्रेशरटा मापतु तापर जदि अधिका है निकट में थी डाक्तर परामर्श नहीं कि औषध खातु जदि ब्लड प्रेशर बढ़ी थी कितु आम के कहीपरबानी
ଦାନ୍ତ ମାନେ ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡୁଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିଞ୍ଚି ମାନେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରକ୍ତଚାପ। ଓକେ, ବିନା ବିନା ମାନେ ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ସିଓର ହେଇପାରିବାନି ଯେ କ'ଣ ହେଇଥାଇ ପାରେ ଆର କାରଣ। ମିଜରମେଣ୍ଟ ମିଜରମେଣ୍ଟ ନିହାନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖିବେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ର କେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ନା ଡାଇଲିସିସ୍? ଆମେ ବୋଧ ହୁଏ ଡାଇଲିସିସ୍। ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଡାଇଲିସିସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ କିଡ଼ନି ଡିଜିଜ୍ରେ କରାଯାଏ, ବୁଝିଲେ, ସିକେଡ଼ିରେ ଡାଇଲିସିସ୍ କରାଯାଏ। ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ରେନାଲ ଡିଜିଜ୍ରେ ଥାଏ, କ୍ରୋନିକ ରେନାଲ, ତାର ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନ୍ ଯଦି ଅଧିକା ଥାଏ ତାକୁ ଡାଇଲିସିସ୍ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଯେଉଁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ତାପରେ ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ସ ଆମେ କରୁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ମାନେ ଲିପିଡ୍ସ କେତେ ଅଛି ବଡ଼ିର, ତ ଆଉ ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଦେଖୁ, CBC କରୁ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟର ଏକ୍ସରେ କରୁ ଯେ ହାର୍ଟର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି, ECG କରୁ, ଇକୋକାର୍ଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝିଲେ, ଏଇ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ୍ୟ ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍। ଓକେ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବୁଝିଲେ ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନ୍ ବି କରୁ, ୟୁରିନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରୁ। ଓକେ ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଆମେ ଦେଖନ୍ତି ସବୁଥିରେ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରରେ ଜୀବନ ସାରା ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ମେଡିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମେଡିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଦିନ ଯଦି ଆମେ ମେଡିସିନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛେ, ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଉଛେ, ତାହେଲେ ଇଏ ମୂଳପୋଛ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୂଳପୋଛ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କହନ୍ତି ରିମିସନ୍ ଅଫ୍ ଦା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କ୍ୟୁର୍ ବୋଲି ସେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଏବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିମିସନ୍ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ମନିଟରିଂ ଦରକାର। ମନେକରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ରହୁଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ମନେକରନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ପଞ୍ଚକର୍ମ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ସବସାଇଡ଼ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବସାଇଡ଼ କେତେ ଦିନ ହେଲା, କେତେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ଫଲୋ ଅପ୍, ସେମିତି ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଡାଟା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ଯେ ରିମିସନ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବିନା ଡ୍ରଗ୍ରେ କେତେ ବର୍ଷ, କେତେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି ଡାଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେସ୍ ଟୁ କେସ୍ ଭେରି କରେ। ଆମେ ସବୁ କେସ୍ରେ କହିପାରିବାନି। ମନେକରନ୍ତୁ ଫ୍ୟାମିଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହାଇପରଟେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ସେଇ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ରେସ୍ପନ୍ସିଭ୍ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଯାହାର ମନେକରନ୍ତୁ ଓବେସିଟି ଅଛି, ଯିଏ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କରୁଛି, ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛି, ସିଏ ଯଦି ସ୍ମୋକିଂ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ମେଡିଟେସନ୍ କରେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରେ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାରା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କଲର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡମ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ମଥୁରାରୁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଓକେ, ବୋଧହୁଏ ସାର୍ ସେ ଜାଣିବାକୁ ବୋଧେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ କହୁଥିଲେ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ତାର ବୋଧେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ତେଣୁ ବୋଧହୁଏ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାଇ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ଯଦି ରେଗୁଲାର ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯଦି ବଡି ୱେଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି ତାକୁ ବଡି ୱେଟ୍ ରିଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟିସିଆନ୍ର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଇ କିମ୍ବା ଆମମାନଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ନେଇ ତାକୁ କମାନ୍ତୁ, କମେଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଏବଂ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଡେଲି କରନ୍ତୁ। ମେଡ଼ିଟେସନ୍ରେ ବି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଯେଉଁ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଡିଜିଜ୍ ଯାହାର ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ତା'ର ମେଡ଼ିଟେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୁଏ। ତେଣୁ କିମ୍ବା ସେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯେକୌଣସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଅଛି। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ସମୟ ଆମ ପାଖେ କମ୍ ଅଛି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ କଲର କଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ମନମନ୍ଦାରୁ କହୁଥିଲି, ନକୁଳ ବାଘ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଚାରନ୍ତୁ। ବିପି ହେଲେ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇକିରି ବାନ୍ତି ହୁଏ କି? ସାର୍ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଛି, ବାନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ହଉଛି। ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର
ଦେଖନ୍ତୁ, ବାନ୍ତିଟା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରରେ ସାଧାରଣତଃ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଟା ହେଉଛି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟିନାଲର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତେଣୁ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଧିକା ଅଛି ନା? ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଉଛି, ସେଇଟା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର କି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଥାଏ ସେଇଟା ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ନୁହଁ, ସେଇଟା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ସହିତ ବାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କରି ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସରଟାକୁ ଆଗ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଔଷଧ ଖାଇବେ। ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ, ଆପଣ ତ ବରମୁଣ୍ଡା ଘର, ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ତ ପୁରା ପାଖ ଆପଣଙ୍କର, ଆମର ହେଉଛି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଛକ ପରଟା। ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିଦେବି, ହେଲା? ଆମର ଆରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛି ଯେଉଁ କଲର୍ମାନେ କଲ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପାଇସାରିଥିବେ। ତେବେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଡକ୍ଟର ପଣ୍ଡା, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେଉଁ ଦର୍ଶକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ନିହାତି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ କେମିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇସାରିଥିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଆମ ସହିତ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି, ଆମକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସିବୁ ପୁଣି ଥରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ପୁଣି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା। ସମୟ ସରିଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।